तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम आए हैं कैराकन मैप में। और ये क्या भाई, कहाँ पे लेकर जा रहे हो? अबे भाई साहब, डुबा डुबा कर मारोगे बे? अबे पबजी वालों, तुम्हारी बहन की सिरी कहाँ पे डुबा दिया मैं? अरे भाई ये कौन सा ग्लिच है बे? अबे शुक्र है भाई पानी में से बाहर निकाला हमको। भाई हम तो पानी में डूब डूब कर मर जाते, बंदे तो हमें मार ना पाते, हम ऐसे ही पहले मर जाते भाई। तो चलो पहले गनमन ढूंढते हैं और फिर देखते हैं बंदों को। तो यहाँ पे भाई हमारा दो नंबर पता नहीं किसको गोलियां बरसा रहा होता है, तो मैं आता हूँ और देखो, और हमें जो किल मिल जाता है। और तभी हमारा दूसरी साइड चार नंबर को पता नहीं कौनों घेर लेते हैं और उस वो घुटनों पे आ जाता है। और तभी मैं जोश पे जाता हूँ और अपने ही बंदों में गोलियां बरसाता हूँ। फिर देखता हूँ भाई, ये तो हमारा दो नंबर है, तो भाई साहब मैं एक दो मिनट और गोली मारता तो इसका जो हेलमेट था उसका टूटकर वो दो दो फाड़ हो जाते। और भाई यहाँ पे हमारा चार नंबर पता नहीं कौन सा बैंड्रा मांग रहा था। अरे बैंडेज होता है भैया, तू बैंड्रा कौन सा मांग रहा है? तो भाई साहब दूसरी साइड हमारे दो नंबर को गोली पड़ती है और वो बोलता है भाई साहब जहाँ पे बंदे हैं। तो हम बोलते हैं चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बंदे हैं तो फिर क्या हुआ, हम बंदों को ही पेलने आ रहे हैं। तो तभी सामने बोर्ड चचा आ जाता है और इसको करते हैं ख़त्म। चल बेटा तू भी लो भी, तेरा हमारे शेरों के मैदान में बकरियों का क्या काम। तो सामने एक पगली आ जाती है, पता नहीं पगली होती है और पगला होता है, लेकिन ये पगली ही होती है। और इसका जो आशक देखना कैसे बंदर की तरह पूसी लगा रहा है। देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये तो शक्तिमान बना पड़ा है। बेटा अब तेरा दौर गया चला है, शक्तिमान का दौर तो बहुत सालों पहले ही चला गया बेटा, अब तू शक्तिमान मत बन। तो तभी एक और ऊपर से छलांग मारता है, तो इसको भी करते हैं ख़त्म। तो देखो भाई साहब, तो देखो हमारा तीन नंबर को भी उसने लुढ़का दिया, लेकिन हम इसको चुम्मा चाटी करके हम इसको खड़ा कर देंगे, मतलब रिवाइव कर देंगे। और जहाँ पे बोर चाचा भी घुटनों पे होता है तो हम बोलते हैं अबे चाचा तू गया नहीं बे, चल निकल। तो भाई साहब हम वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो तभी हमारा तीन नंबर को फिर से कोई लुटका देता है। तो हम उस साइड पे जाते हैं और बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो हम उसको ऐसे पेलते हैं चल बे निकल साले, हमारे बंदे को मारता है, आपको हमारा जरा भी खौफ नहीं है, हम कैराकन मैप के शेर हैं भाई, शेर हैं। तो भाई साहब हम जहाँ पे बंदे ढूंढ रहे होते हैं तो सामने हमें एक दो बंदे दिखाई देते हैं और तभी मैं स्नेक बन जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब हमारे सामने है तो तब इसको डस लूँ मैं। तो ऐसे ही हुआ भैया, मैंने इसको ऐसे डस लिया कि बेटा घुटनों पे आ गया। तो हम चलो अब हल्ला बोल देते हैं। और भैया जी जब हम जहाँ पे आते हैं तब तक वो रिवाइव हो जाता है, तो हम इस घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब इस घर के ऊपर चढ़ते हैं तो वो एक आता है, तो देखो क्या करता है, तो ये बेटे को मैं ढेरी कर देता हूँ। और हमारा तीसरा तीन नंबर उसको तो डब्बा ही बना देता है। तो बेटा इसलिए मैं बोलता हूँ कि जाओ बेटा पहले दूध का पी कराओ और बाद से हमसे मुकाबला करना। तो भाई साहब जब तक मैं नीचे आता हूँ तब तक हमारे तीन नंबर को कोई पीछे से घुटनों पार कर देता है। तो भाई साहब ये बंदा हमें कहीं दिखाई दिया ना तो इसको साले को मैं ऐसा पेलूँगा ना इसकी नानी याद करवा दूँगा। पहले बंदा तो दिखाई दे साला, अच्छा इस पत्थर के पीछे, अबे ये क्या, अबे दोनों साइड बंदे हैं साले। चलो कोई बात नहीं भैया, मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा। अबे भाई मैं क्या करता, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं क्या करता, आप ओपन में हो, अगर मैं आता तो मैं भी मरता, आप टेंशन मत लो, मैं आपका बदला जरूर लूँगा भाई साहब, पहले मुझे बंदा दिखाई दे दे, वो देखो साला एक मिनट, ये लो इसको तो साले को मैंने ठेल दिया। तो जो एक बचा है इसको भी मैं बताता हूँ, अबे साले वहाँ को क्या देख रहा है, ये ले चलो अभी। इसी के साथ ही हमारा भाई साहब चिकन डिनर हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के बाय बाय।